एक तरफ राजस्थान में वसुंधरा का पावर शो चल रहा है तो महंत बालकनाथ के लिए भी खेमेबंदी शुरू हो गई है। संत समाज बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़ा दोनों बाबा बालकनाथ के समर्थन में आ गए हैं। बहुत अच्छे संत है, योगी संत है, बाबा बालकनाथ जी का नाम है और मैं समझता हूँ उनका नाम राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उसका तो बीवी बच्चे नहीं है, उसका तो अपना कोई नहीं, समाज ही उसका है, जिसका समाज होता है वो संत जो है समाज के लिए कार्य करता है। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बनाती है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। संपन्न है वो, उनकी बहुत बड़ी संस्था है और अगर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते राजस्थान को भी फायदा होगा, हरियाणा को भी फायदा होगा। रोहतक में बहुत बड़ी गद्दी है उनकी और राजस्थान उनका राजनीतिक क्षेत्र है। हाई कमान की बीजेपी की बात अगर बनाती है तो बहुत अच्छी, हम तो संत का स्वागत करेंगे। ये तो राजस्थान की उठा पटक है। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? सीएम को लेकर दावेदारों का पेच तो वहां भी फंसा हुआ है। एक पोस्ट के लिए कई कद्दावर नेता सपने देख रहे हैं, हालांकि वो सपने साकार होंगे या नहीं यह तो दिल्ली दरबार की मर्जी से ही होगा। क्या 2024 की तैयारी के लिए शिवराज सिंह को आलाकमान से ग्रीन सिग्नल मिल गया? ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में जिन चेहरों को सीएम कैंडिडेट बताया जा रहा था उनमें से ज्यादातर आज कैमरे के सामने नहीं आए, सिर्फ शिवराज सिंह ही सक्रिय दिखे, वो भी फुल कॉन्फिडेंस में। 3 घंटे में 4 बार मीडिया के सामने आए। पहले मामा ने अपने घर पर रामरथ यात्रा का स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने जनता के लिए 2 दिन में दूसरी बार वीडियो संदेश जारी किया। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति क्षमता और प्रमाणिकता ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। शिवराज ने आभार तो लाडली बहनों का भी जताया। एक बार फिर उनसे मिले, शायद ये तस्वीरें उन नेताओं को जवाब था जो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत लाडली बहनों की वजह से नहीं बल्कि मोदी की मेहनत के चलते मिली। हालांकि थोड़ी देर बाद शिवराज का एक ऐसा बयान आया जिसने दूसरे चेहरों को रेस से काफी पीछे कर दिया। मामा ने कहा, कमलनाथ के गढ़ जाऊंगा, लोकसभा की सारी सीटें जितवाऊंगा। 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। वो तो हमेशा रोते ही हैं, चुनाव के बाद यही करते हैं। वैसे जिस वक्त शिवराज सिंह चौहान भोपाल में नपेतुले शब्दों में भावी सीएम होने का दम भर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा जेपी नड्डा और पीयूष गोयल से मिले। शिष्टाचार वाली इस मुलाकात के मायने भी निकाले जाने लगे। बीडी शर्मा अभी तक मेरी समझ में उस तरह से रेस में नहीं है और उस रेस में जितना सबसे बड़ी ताकत के तौर पर शिवराज उभरे हैं मध्य प्रदेश में, ये तो अभी बड़ा अनिश्चित सा पूरा माहौल है। शिवराज को ही मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। छत्तीसगढ़ का क्या हाल? आज सीएम फेस पर बयानबाजी कितनी आगे बढ़ी? रमन सिंह, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साहब और उसके बाद अब किसका नाम उछला? पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और आज करीब 30 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों पर सेवा का मौका दिया है। 2 बार विधायक रहा, 4 बार लोकसभा का सांसद रहा, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी मिला है और आगे भी पार्टी का जो आदेश होगा वो हमारे लिए सिरोधार्य होगा। सीएम कौन बनेगा ये बीजेपी तय करेगी, लेकिन समर्थक अपने नेता की पोजीशन मजबूत करने में जुटे हैं। मनेंद्रगढ़ में रेणुका सिंह के लिए हवन पूजन शुरू हो गया। कल बेटी ने कहा था, माँ को सीएम बनते देखना चाहती हूँ,
अब मनोकामना पूरी करने के लिए यज्ञ। वैसे सूबे को महिला सीएम मिले, ये मांग अब कांग्रेस से भी उठी है। रेणुका जी का तो हमारे बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा लोकसभा की भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया, उनको भी मौका मिल जाएगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। वैसे सच पता क्या है, चाहे कोई पावर पॉलिटिक्स कर ले, नेताओं को इकट्ठा करे, हवन पूजन करे, बयानबाजी कराए, सोशल मीडिया पर हवा बनवाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली फैसला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मर्जी से ही होना है और मोदी को सरप्राइज की आदत है। इसके लिए हम तो तैयार हैं, नेता भी तैयार रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।